आज हम आपके लिए लेके आए हैं भटूरे की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बाज़ार की तरह ऑयली भी नहीं रहती है। और इसको बनाने के लिए मैंने लिया 250 ग्राम मैदा, उसको मैंने छान लिया है, और 1 टीस्पून मैंने नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शक्कर डाला है यानी शुगर, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन, जिसको मैंने क्रश करके डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। सब कुछ मैंने डालकर इसमें मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें पानी थोड़ा ही करके डालना है, फिर हम इसको गूंद लेंगे। अब ये देखिए हमारा मैदा आटा जो था वो हमारा गूंद गया है। यहाँ पे हम लेंगे 1 टीस्पून घी, देसी घी। आप रिफाइंड लेना चाहें तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। इसको आप बस हल्के हल्के हाथों में लगा कर गूंदते जाइए। आपको घी कम या ज़्यादा जैसा भी आप खाते हैं आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं, और उसी से हम अब गूंदेंगे, पानी नहीं लगाएंगे। और इस तरह से हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इसमें हमें ना दही की ज़रूरत पड़ी है ना ईस्ट की। और इस तरह से हमने इनो एक पैकेट डाला, शक्कर, नमक और अजवाइन। अब ये हमारा आटा गूंद गया है। भटूरे को मैंने गूंद कर एक एयर टाइट कंटेनर में लगभग 30 मिनट के लिए रख दिया था, और अब मैंने देखिए इसको साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद हम उस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे, क्योंकि ये बेलन पटरे पे अच्छे से नहीं मिलेगा। और जो मेन इसका सीक्रेट है हलवाई वाला, वो यही है कि आप 2-3 मिनट इस डो को आप थोड़ा उसी के ऊपर आप इसी तरह से कर लें लगभग 1-2 मिनट तक, तो देखना बिल्कुल हमारे भटूरे काफ़ी फूले फूले बनेंगे और हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपका मन करे आप इसको बना सकते हैं। यही है हलवाई की सीक्रेट। आप देखिए इतने 250 ग्राम आटे में मैंने लगभग इसमें 8 या 9 लोइयां आराम से बन जाती है। आप थोड़ा बड़े बनाएंगे तो आप 8 लोई तैयार कर लेंगे, और अगर थोड़ी छोटी बनाते हैं तो 9 या 10 बना लेंगे। और ये देखिए आप इसको लोइयों को बेल लें, आप थोड़ी सी उसके ऊपर वो डाल दें उसकी, उसको पहले आप क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद थोड़ा सा घी लगाएं जहाँ पे हमें उसको बेलना है, और इस तरह थोड़ा दबाते हुए हमें भटूरे को करना है, क्योंकि वो मैदा होता है उसको हम बेलते हैं तो फिर वो उसी आकार में आ जाता है। आप अपने मनपसंद आकार में अपने भटूरे के तैयार कर लें, और जहाँ पे मोटे हों उसको आप सही से कर लें, और एक तरफ आप तेल भी चढ़ा दें, तेल गर्म हो जाए। तेल हमारा अच्छे से जब गर्म हो जाएगा हम भटूरे को फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी आसान सी रेसिपी है, और आपको बाज़ार का जो वहाँ के जो भटूरे होते हैं वो काफ़ी ऑयली लगते हैं, ये देखिएगा आपको एकदम काफ़ी आपको पसंद आएगा। और अब इसको ज़रूर ट्राई करें और बनाएं, देखें आपको फिर हम अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए हमारे भटूरे काफ़ी अच्छे से बनकर फूले फूले रेडी हो रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।